यहाँ तक कि घास की रोटी खाकर गुजारा कर लिया, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाया। वो वीर हकीकत रहे जिसने फांसी के फंदे को तो चूम लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। प्रेमी श्रोताओं, वो ऊधम सिंह जिसने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए लंदन में जाके उस डायर को गोली से तो मार दिया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। ऐसे ऐसे वीर हुए जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राण गवा दिए और कहा कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? अरे वो भी तो हमारी तरह इंसान थे। जब वो इस देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम अपने देश के लिए क्यों नहीं जान दे सकते? कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाए वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहां हाड़ी रानी शीस काट कर थाली में रख देती है। पहली लाइनों में किस तरह से क्या बताया, कैसे कैसे वीर हुए, कैसे वीर हकीकत जमे धर्म पे तनक टहल ना पाए, तनक टहल ना पाए। अरे चलिया वाले रामबाग के अंदर कितने वीर खपाए, वो खपाए जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में छिनवाए, दीवारों में छिनवाए। पीछे नहीं हटाया, हंसते हंसते इस देश के लिए प्राण गवा दिए। एक वीरांगना वो थी कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। और दूसरी वीरांगना एक ऐसी छत्रानी थी, प्रेमी श्रोताओं, जिसका नाम था पद्मावती। उस खिलजी ने रानी को न्यू कह दिया कि तेरे पति को छोड़ दूंगा, लेकिन तू मेरे साथ निकाह करके मेरी बेगम बन के रहे। उस छत्रानी ने अपने प्राण तो गवा दिए, लेकिन उसकी बेगम बनना मंजूर नहीं किया। जब उस छत्रानी ने एक हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्यागे थे, तो मरने से पहले दो लाइनें लिखी थी उस खिलजी के लिए और ये कहा था, खिलजी तू मुझे अपनी बेगम बनाना चाहता है, लेकिन किसी ने कहा है कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता। और ये
भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अरे वो थी हमारी छत्रानी पद्मावती। लेकिन कुछ दिन पहले एक फिल्म भी रिलीज हुई थी पद्मावती के नाम से, उस फिल्म के अंदर छत्रानी पद्मावती को नृत्य करते हुए दिखाया गया, नचनिया बना दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है प्रेमी श्रोताओं। क्या लिखा दूसरी लाइनों में, भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। अरे भगत सिंह ने रे हंसते हंसते गल में फांसी खाई, अरे खाई। अरे थे बलिदान देश पे मात पिता और भाई, मात पिता और भाई। और इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर हमारी आंटी जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। माता बहनों की तरफ से पुरस्कार आया। बताया प्रेमी श्रोताओं, आप सभी अच्छी तरह जानते हो, रुपे रंबड़दार मोमनपुर गांव से, वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताए प्रेमी श्रोताओं, 14 फरवरी के दिन पुलवामा में जो हादसा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पुलवामा हमले में हमारे 44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए। जब उन सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो आपने न्यूज पे देखा होगा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, उनके प्रवक्ता भाषण दे रहे थे कि क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है, हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 8 लाख रुपए दी है, हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 10 लाख रुपए दी है। जब इतनी बात एक फौजी की माँ ने सुनी तो उस माँ की आंखों में आंसू आ गए और एक संदेश में लिख कर भेजा उस माँ ने कि अरे नौजवानों की कीमत लगाने वालों, ऐसे इस दुनिया में कितने माँ बाप है जिनका एक ही बेटा होता है और वो अब इस देश के लिए फौज में भर्ती होकर इस देश के लिए शहादत देकर चला जाता है। न्यू कहने लगी वो माँ चिट्ठी में लिखकर कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटिया चली गई, अरे बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे ऐसा विस्फोट हुआ पुलवामा के अंदर, ऐसा विस्फोट हुआ पुलवामा के अंदर, इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की ये बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई, मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई। अरे एक नौजवान का दर्द पूछना है तो उसकी माँ के दिल से पूछ के देखियो, जिसने उसने जिस बेटे को उसने 9 महीने तक गर्भ में रखा, पाल पोस के इतना बड़ा किया और फिर सेना में भर्ती करवाया, और सेना में भर्ती होकर वो उसका बेटा जान देकर चला जाता है देश के लिए। एक नौजवान का दर्द पूछना है तो उसके बूढ़े बाप से पूछ के देखो, जिसने अपने बुढ़ापे की लाठी खोई हो। एक नौजवान का दर्द पूछना है तो उसकी पत्नी के दिल से पूछ के देखो, जिसने अपने मांग का सिंदूर खोया हो। ये नेता लोग नौजवानों की कीमत लगाते हैं। अरे खुद के बेटे को भेज कर देखो सीमा पे लड़ने के लिए, जब
चलेगा कि एक बेटे की कीमत क्या होती है, एक बेटे का प्यार क्या होता है। आदरणीय जोगिंदर सिंह जी डायरेक्टर, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक इधर से बच्ची ने वो भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, तहे दिल से धन्यवाद। और एक बेटा था छोटा सा, उसने भी 50 रुपए का पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी लाइनों में क्या लिखा, अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली, अरे इंकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, अरे बोली, राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, देश की निंद्रा खोली, फरीदाबाद 500 रुपए का पुरस्कार हमारी इस रागनी पे घोष कर देते हैं। और आदरणीय 2100 रुपए का पुरस्कार सिसोदिया राजपूत समाज के लिए खुश होकर देते हैं। बलराम जी के लिए जोरदार तालियां प्रेमी श्रोताओं, जिन्होंने इतना मान सम्मान किया, हमारे सिसोदिया राजपूत समाज का भी मान सम्मान किया और हमारे नाचीज कलाकारों का भी सम्मान किया। और हमारी आंटी जी 100 रुपए का पुरस्कार देती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइनों में किस तरह से क्या तोड़ किया रागनी का। और हमारे लबरू जी वो भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए क्या लिखा, अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े, अरे जबर फौज थी रे अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी थोड़े थोड़े, गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, माँ के बंधन तोड़े, कहानी मलो मलो